हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास ट्वेल्थ का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्लास ट्वेल्थ का महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की प्रमुख जनजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं उसके बारे में अध्ययन किया है, जैसे एस्किमो, बुशमैन और भील। इसके अलावा हमने गौड़ जनजाति से संबंधित भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने गौड़ जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपने देखा गौड़ जनजाति की जो उत्पत्ति है, यदि देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण से पहाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहता है? पहाड़ी। तो गौड़ शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। क्या होता है? पहाड़ी। और इसके अलावा हमने देखा कि गौड़ जनजाति के जो महत्वपूर्ण जो निवास राज्य है, जैसे हम देख सकते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आसाम, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों के अंदर गौड़ जनजाति निवास करती है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र के अनुसार देखें तो सतपुड़ा की पहाड़िया, विंध्याचल की पहाड़िया और बस्तर के जो उच्च पठारी क्षेत्र है उन सब के अंदर ये जनजाति निवास करती है। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, जहां ये जनजाति निवास करती है वहां पर कुछ महत्वपूर्ण नदियां बहती है, जैसे आपने देखा होगा महानदी, गोदावरी और इसके अलावा सोन नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सभी की सभी गौड़ जनजाति क्षेत्र के अंदर प्रवाहित होती है। कहां पर होती है? गौड़ जनजाति क्षेत्र के अंदर प्रवाहित होती है। इसके अलावा हमने गौड़ जनजाति के निवास क्षेत्र के अलावा हमने गौड़ जनजाति की आर्थिक क्रियाओं की जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि गौड़ जनजाति किस प्रकार आर्थिक क्रियाएं करती है। आज हम आर्थिक क्रिया का एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आखेट, गौड़ जनजाति की आखेट क्रिया। कौन सी? गौड़ जनजाति की आखेट क्रिया, उसके बारे में जानते हैं। बच्चों पहले तो ये आखेट क्या होता है, ये हर गौड़ जनजाति के अलावा जो भी हमने जनजाति पढ़ी थी उसके अंदर पढ़ा था और इसकी परिभाषा भी हमने पढ़ी थी। तो सीधी सी परिभाषा है, जीवों का शिकार करना आखेट कहलाता है। जीवों का शिकार करना क्या कहलाता है? आखेट। अब इसका पहला बिंदु लेते हैं, गौड़ जानवरों का शिकार करते हैं। गौड़ किसका शिकार करते हैं? जीवों को मारकर उनको खाने में अपना प्रयोग में लेते हैं। भारत में आखेट करना अब राष्ट्रीय नियमों के निषेध है और भारत के अंदर जीवों को मारना कानूनन क्या है? अपराध माना गया है। आपको पता ही है भारत के अंदर सर्वप्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? 1894 में। उस समय शासक कौन बने थे? ब्रिटेन का अधिकार था। किसका था? ब्रिटेन के समय भारत में सर्वप्रथम वन नीति बनी थी, लेकिन जब 1947 को भारत आजाद हुआ तो भारत सरकार ने पुनः वन नीति बनाई। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब बनी? 1952 ईस्वी में। कब बनी? 1952 ईस्वी में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बाद में इनका जो संशोधन है वन नीति का, क्या हुआ था संशोधन? वो हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। और इसके अलावा भारत सरकार ने वन्य जीव को बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के कानून लागू किए थे, जैसे टाइगर एक्ट, जो टाइगर को या शेरों को बचाने के लिए सरकार ने बनाया था। यह बना था 1973 में, लेकिन 73 तक ये लागू किया गया था। 1973 में इसको लागू किया था। एलिफेंट एक्ट इसे 1992 में शुरू किया था और 93 तक इसको लागू किया गया था। 1992-93। इसके अलावा और भी हमने देखा कि जब 5 जून 1972 को हमने पर्यावरण दिवस घोषित किया गया, क्या दिवस घोषित किया गया? पर्यावरण दिवस।
याद रखना पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है 5 जून 1972 को, उसी को पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखते हुए 22 मई को जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस घोषित किया गया, जिसमें जीवों की अलग अलग पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब इसके अलावा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस, क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस। और इसके अलावा 12 सितंबर को कैजुअल दिवस, जो पेड़ों की रक्षा के लिए अमृता देवी के सहयोगी जो विष्णुई बहने थी उन्होंने अपने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था, उसी की याद में 12 सितंबर को हमेशा क्या मनाया जाता है, खेजली दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, खेजली दिवस। तो ये सारे जो बिंदु है पर्यावरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो काफी बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो वापस एक बार देखते हैं, भारत के अंदर सर्वप्रथम वन्य जीव कब बनी थी, 1894 ईस्वी में, कब बनी थी, 1894 संशोधन भारत स्वतंत्र भारत की 1952 में, और इसके संशोधन कब किया गया था, 1986 में। फिर अपन देखते हैं टाइगर एक्ट पूर्व में शुरू हुआ था और 73 तक इसे लागू कर दिया, एलिफेंट एक्ट 92 में शुरू हुआ था, 93 तक इसको लागू कर दिया था। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस, क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस। 12 सितंबर को खेजली दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को जल दिवस, क्या मनाया जाता है, जल दिवस। और 11 जुलाई को हमेशा जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस, जो आपके काफी बार एग्जामिनेशन सवालों को पूछा जा चुका है। फिर भी ये लोग कुछ मात्रा में वन्य जीवों का शिकार कर लेते, देखो भारत के अंदर जीवों का शिकार करना कानूनन अपराध है, फिर भी ये जो गौर जाति के जो लोग हैं थोड़ा बहुत जीवों का शिकार करके उनका भोजन मांस के रूप में कर ही लेते हैं। गौर वर्तमान में शिकार के स्थान पर कृषि करने लगे, और गौर आजकल वर्तमान में शिकार को छोड़ दिया और क्या करने लगे, कृषि करने लगे, मतलब उनके जीवन में क्या हो गया, आधुनिकता का प्रभाव आने के कारण उसमें सुधार आर्थिक क्रिया में देखने को मिला, क्योंकि अधिकांश गौर अब क्या है, कृषक बन गए, और पहले जो शिकारी थे अब क्या बन गए, कृषक बन गए और कृषि गतिविधियां करने लग गए। अब कृषि यदि पूरे आधुनिक कृषि के जनक या आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक तो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग आधुनिक कृषि के क्या है, जनक है, और इनको हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है, हरित क्रांति, विश्व हरित क्रांति के जो जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग है, और भारतीय हरित क्रांति के जनक है तो वो है एम एस स्वामी नाथन, याद रखना ये भारतीय कृषि के या हरित क्रांति के जनक, और ये आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक नॉर्मन बोरलॉग है, जिसने हरित क्रांति की क्या की थी शुरुआत, और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1967-67 में देखने को मिली थी, कब मिली थी, 1967-67 के अंदर। तो याद रखना ये सब अच्छे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फ्यूचर के अंदर भी, और आपके 12th क्लास बोर्ड के अनुसार भी ये टॉपिक आगे पढ़ने को मिल जाएंगे आपको। भोजन, अब भीलों का जिस प्रकार हमने भोजन पढ़ा था कि उसका मुख्य भोजन मक्का है, राबड़ी भी खाते हैं, और गेहूं उड़द मूंग की दाल के साथ सब्जियां का भी उपयोग करते हैं, मांस का भी उपयोग करते हैं, मदिरा का भी उपयोग करते हैं, और उसके बाद हमने बूसमैन ने देखा कि वो आदि भेड़ एक साथ खा जाते हैं, और इसके अलावा बूसमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वो अन्य प्रकार के अनाजों का सब्जियों का भी प्रयोग करते हैं, और उसके अलावा शहद अंडे और दीमक उनके प्रिय भोजन के रूप में है। फिर हमने एस्किमो का भी हमने पढ़ा कि एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं सील मछली व्हेल मछली का जो कच्चा मांस है उसका उपयोग खाने में
करते हैं। तो इस तरह हमने सभी जनजातियों के भोजन के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार गौर जनजाति के जो भोजन कौन से हैं मुख्य, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। भील का मुख्य भोजन में कौन सा अनाज है? मक्का। कौन सा है? मक्का। और हमारे बूसमैन के अंदर देखा जाए तो राबड़ी, सॉरी बूसमैन के अंदर देखा जाए तो दीमक, दीमक चींटियों के अंडे और अंडे शहद और विभिन्न प्रकार के और जो मांस है वो खाने में प्रयोग करते थे। गौर जनजाति का पहला बिंदु है कोदू और कुटकी। याद रखना बच्चों, गौर जनजाति का मुख्य जो भोजन है वो कौन सा है? कोदू और कुटकी। कोदू और कुटकी जैसे स्थानीय अनाज गोड़ों का मुख्य खाद्यान्न है। गोड़ों का क्या है? मुख्य खाद्यान्न या गोड़ों का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? यदि सवाल आ जाए तो कौन सा होगा? कोदू और कुटकी। याद रखना, वापस में रिपीट कर रहा हूँ, गोड़ों का मुख्य भोजन कोदू और कुटकी। अगला बिंदु देखो, गोड़ सब्जियां घरों में ही या जंगलों से प्राप्त करते हैं। और गोड़ जो खाने में हरी सब्जियों का प्रयोग करता है, या तो वो अपने घर के अंदर ही उगा लेते हैं या फिर जंगलों से वो प्राप्त करते हैं, या फिर घर के अंदर ही उगाते हैं या फिर कहाँ से प्राप्त करते हैं? जंगलों के अंदर। तो ये कोदू और कुटकी के साथ ये हरी सब्जियों का भी खाने में प्रयोग में लेते हैं। गोड़ उत्सवों और त्योहारों पर चावल बनाते हैं। और गोड़ जो उत्सव और त्योहार होते हैं उसको क्या बनाते हैं? चावल बनाते हैं। जैसे उसमें जनजाति के अंदर आपने देखा कि ये उत्सव और प्रतिभोज के ऊपर चावल का चोखा और लापसी बनाते हैं, उसी प्रकार ये भी अपने त्योहार और उत्सव में, मतलब गोड़ भी त्योहार और उत्सव के अंदर क्या बनाते हैं? चावल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चावल। और शिकार से प्राप्त व बलि से प्राप्त जानवरों का मांस भी करते हैं, और इसके अलावा जो शिकार करते हैं वो मांस भी होता है उसको भी खाने में प्रयोग करते हैं। और साथ में कोई भगवान को यदि वो किसी पशु की बलि चढ़ाते हैं तो उस बलि से प्राप्त जो मांस होता है उनको भी वो खाने में प्रयोग करते हैं। अगला बिंदु देखते हैं, गोड़ धूम्रपान करते हैं। गोड़ क्या करते हैं? धूम्रपान, मतलब वो विभिन्न प्रकार की बीड़ी, सिगरेट या चिलम होती है, उस प्रकार के जो तंबाकू वाले जो तत्व होते हैं उनका वो सेवन करते हैं, तथा महुआ से बनी हुई शराब का भी सेवन करते हैं। आपने देखा होगा भील जनजाति के जो लोग भी हैं वो भी महुआ से बनी हुई शराब है उसका प्रयोग करते हैं, और गौर जनजाति के जो लोग हैं वो भी महुआ से बनी हुई शराब का प्रयोग करते हैं। अब है वस्त्र। आपने देखा बच्चों, वस्त्र आपने अलग अलग जनजातियों के अलग अलग वस्त्र पढ़े थे। हमने पहले देखा था एस्किमो, एस्किमो के जो वस्त्र होते थे वो कैरिबो की खाल के बने होते थे। वस्त्र बनाने के काम स्त्रियां करती थी। वस्त्र दो प्रकार के होते थे, तीमियाक और अनुहाक, तीमियाक और अनुहाक। उसके अलावा कार्मिक जूते भी पहनते थे। फिर हमने बूसमैन के बारे में पढ़ा। बूसमैन के अंदर आपने देखा बच्चों कि बूसमैन जनजाति की जो औरतें हैं वो एप्रन पहनती हैं, जो स्थानीय भाषा में चोगा व क्रॉस के नाम से भी जानी जाती है। फिर हमने भील जनजाति के बारे में देखा कि भील जनजाति के लोग स्वतंत्रता से पहले कम वस्त्र पहनते थे, फिर बाद में आधुनिक लोगों के संपर्क में आ जाने के कारण धोती, कमीज, साफा, पैंट, शर्ट इन सब का प्रयोग करने लगे। स्त्री सजाने संवारने के लिए कांच की चूड़ियां आदि का प्रयोग करने लगे, और ये भी चांदी, निकेल, तांबा इन सब के आभूषण पहनने लगे। तो ये हमने किसके पढ़े थे? भील। तो उसी प्रकार गौर जनजाति के प्रमुख वस्त्र कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। गौर प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। गौरों का मुख्य वस्त्र कौन सा है? सूती वस्त्र। याद रखना, गोड़ों का मुख्य जो वस्त्र है वो कौन सा है? सूती वस्त्र। कौन सा है? सूती वस्त्र। गोड़ पुरुष धोती या स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती। याद रखना, गोड़ जो पुरुष होते हैं वो क्या पहनते हैं? धोती। क्या पहनते हैं? धोती। और जो स्त्रियां होती है वो क्या पहनती है? साड़ी और चोली। साड़ी और चोली, ठीक है बच्चों। अब अगला बिंदु देखते हैं वस्त्र में। गोड पुरुष व स्त्री दोनों ही चांदी और एल्युमिनियम के गहने पहनते हैं। और गोड होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही गहने पहनते हैं। किसके पहने होते हैं गहने? चांदी और एल्युमिनियम के। गहने किसके बने होते हैं? चांदी और एल्युमिनियम के। आपको पता ही है चांदी विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो चांदी का जो उत्पादन है वो मैक्सिको के अंदर होता है। फिर भारत के अंदर यदि चांदी देखते हैं तो राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है, वो सीसा और जस्ता के साथ निकाली जाती है, ठीक है। चांदी की खाने भी है उदयपुर के अंदर, देवारी की खान जैसे सीसा और जस्ता निकलता है उससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कोई एक कच्ची धातु नहीं होती है बल्कि ऑक्साइड को प्रगलन करने से बनती है। तो याद रखना एल्युमिनियम का अस कौन सा होता है? ऑक्साइड।
एल्यूमिनियम का आइस कौन सा होता है? बॉक्साइट। और चांदी का कौन सा होता है? सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता। चांदी का आइस बनता है, एल्यूमिनियम का आइस कौन सा है? बॉक्साइट। कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट को प्रगलन करने से एल्यूमिना बनता है और उसी एल्यूमिना से क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम बनाया जाता है। गोल्ड स्त्रिया कांच की रंग बिरंगी चूड़िया व गले में काले मनकों और कौड़ियों से बना हुआ हार पहनती है। गौर जनजातियां अपने आप गौर जनजाति की जो औरतें हैं वो अपने आप को सजाने और संवारने के लिए रंग बिरंगी कांच की क्या पहनते हैं? चूड़िया पहनते हैं। रंग बिरंगी कांच की क्या पहनते हैं? चूड़िया पहनते हैं और साथ में गले में क्या पहनते हैं? हार पहनते हैं। और वे हार किसके बने होते हैं? मनकों और कौड़ियों से। हार किसके बने होते हैं? मनकों और कौड़ियों से। तो भील गौर जनजाति की जो औरतें हैं वो मुख्य रूप से कांच की चूड़ियां जो रंग बिरंगी होती है वो पहनती हैं, साथ में मनकों और कौड़ियों से बना हुआ हार भी पहनते हैं। जिस प्रकार भील जनजाति की जो औरतें होती है अपने आप को सजाने संवारने के लिए कांच और एल्यूमिनियम की जो चूड़ियां पहनती है, उसी प्रकार ये भी मनकों और कौड़ियों और रंग बिरंगी चूड़ियां जो कांच की हैं उसको पहनकर अपने आप को सजाती और संवारती हैं। गोल्ड स्त्रियां अक्सर शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। देखो गोल्ड स्त्रियां अपने शरीर के ऊपर क्या करवाती है? गोदना गुदवाती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में टैटू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैटू। तो उस प्रकार के टैटू खुदवाती है। तथा लड़कियां अपने बालों में जुटे में 5 से बंदे आधे दर्जन तक कंधे लगाती है, कंघे लगाती है। देखो जो गोड की जो लड़कियां होती है वो अपने बालों में क्या लगाती है? जुड्डे लगाती है। क्या लगाती है? जुड्डा। और उन जुड्डों के अंदर 5 के बने आधे दर्जन, 5 के बने आधे दर्जन जो कंघे होते हैं वो भी अंदर लगाती है, जिसके कारण बाल अच्छी तरह से सेट बैठ जाए और बिखरे ना। अब है निवास गृह। आपने देखा होगा पहले निवास क्षेत्र, भूस्वयं क्षेत्र का जो निवास क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्रों में है। इसके अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आसाम, उड़ीसा, ये सभी क्षेत्रों के अंदर कौन रहते हैं? घोड़ रहते हैं। लेकिन अब हम इसके पढ़ेंगे निवास घर। जिस प्रकार हमने एस्किमो के निवास घर में देखा, एस्किमो के शीतकालीन आवास को क्या कहा जाता है? इग्लू। क्या कहा जाता है? एस्किमो के शीतकालीन आवास को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। फिर हमने बूशमैन का पढ़ा, फिर हमने अलेका भीलों के जो घर होते हैं उसे कूक कहते हैं। क्या कहते हैं? कूक। तो अब निवास ग्रह अपन गोड़ के देखते हैं। इसका पहला बिंदु, गोड़ नंगले अर्थात पली अर्थात छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। गोड़ होते हैं वो नंगले को या पली को, बस्ती का नाम है नंगले या पली, जैसे छोटे घरों के अंदर रहते हैं। एक ऐसी बस्ती जिनके घरों के मध्य दूरी बहुत अधिक होती है उसे हम नंगले या पली बस्ती कहते हैं। याद रखना बच्चों, जिनके घरों के मध्य दूरी बहुत अधिक होती है उन घरों को नंगले या पली बस्ती कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका, आवास निवास घर का, जिस स्थान पर आवास बनाना होता है। देखो बच्चों, जहां पर गोट अपना मकान या आवास बनाना चाहते हैं उसका वो सगुन निकालते हैं, निकालते उस स्थान पर उस मनाते, और जहां पर वो घर बनाना चाहते हैं उस घर का पहले क्या निकालते हैं? मुहूर्त निकालते हैं या सगुन निकालते हैं, और उन सगुन के बाद वो क्या बनाते हैं? वापस उत्सव बनाते हैं। इसके अलावा वहां बत्तख या मुर्गी की बलि भी दी जाती है, और वहां पर बत्तख और मुर्गी की क्या दी जाती है? बलि, जिसके कारण वो मुहूर्त अच्छी तरह से बन सके। इसके अलावा ये और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जो वो अपने निवास बनाने के लिए करते हैं। अब हम निवास ग्रह का नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। यदि अपन इसका बिंदु को देखते हैं, गोट के मकान घास फूस व मिट्टी के बने होते हैं। गोड़ के जो घर होते हैं कच्चे होते हैं। कच्चे घर को बनाने के लिए वो मकान के लिए घास फूस और मिट्टी का प्रयोग करते हैं। याद रखना बच्चों, गोड़ों के घर कैसे होते हैं? कच्चे होते हैं। उन कच्चों घर को बनाने के लिए घास फूस और मिट्टी का वो प्रयोग करते हैं, जिसमें रहने का कमरा भी होता है, रसोई भी होती है, बरामदा भी होता है, और पूजा घर जरूर होता है। देखो गोड़ों का जो घर है अपने आप में एक पूर्ण घर होता है, जिसमें सारी सुविधा देखने को मिलती है। रहने का कमरा होता है, भोजन को पकाने के लिए क्या होती है? रसोई होती है, बरामदा होता है, और अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करने के लिए क्या होता है? पूजा घर जरूर होता है। तो ये करो गोड़ के जो घर होते हैं अपने आप में क्या माने जाते हैं? पूर्ण माने जाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जो कमरे होने चाहिए वो उसके घरों में देखने को
मिलता है। औजार व बर्तन, अब गौड़ जनजाति के औजार कौन से हैं, बर्तन कौन से, उसके बारे में देखते हैं। बच्चों आपने देखा होगा हमने एस्किमो के औजार व बर्तन पढ़े थे, तो हमने देखा एस्किमो में कौन कौन से थे, कयाक, उमियाक, हार्फून और लास्ट क्या था, कौन सी थी, स्लेज। ये हमने एस्किमो का पढ़े। फिर हमने उसमेन में पढ़े थे बाला, तीर, बर्छा और जो चतुर्मुर्ख के जो अंडे थे उनका प्रयोग वो क्या करते थे, आभूषण बनाने और जल को स्टोर करने के लिए रखते थे। फिर हमने पढ़े थे भील, भीलों के हमने क्या देखे थे, तीर, तलवार, खंजर, ये सब किसके थे, भीलों के महत्वपूर्ण औजार थे। तो हमने एस्किमो का कौन कौन सा, कयाक, उमियाक, हार्पून और स्लेज, बूसमैन के भील, बाला तीर और बर्छा, और भील के तीर, तलवार और खंजर जैसे महत्वपूर्ण अस्त्रों के बारे में पढ़ा। अब हम ले रहे हैं गौड़ जनजाति के महत्वपूर्ण अस्त्र और बर्तन या औजार और बर्तन कौन से हैं। गौड़ लोगों के औजार बहुत ही साधारण होते थे, गौड़ जनजाति के जो औजार होते थे कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते थे, नॉर्मल होते थे, जो स्थानीय लोगों के द्वारा ही बना दिया जाता था, जो स्थानीय कारीगरों के द्वारा बनाए जाते थे, जो स्थानीय जो कारीगर थे, जो उसके गांव क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो कारीगर थे उनके द्वारा ही ये औजार बनाए जाते हैं। स्थानीय लोहार होलिया, स्थानीय जो लोहार होते हैं वो गौड़ के कौन कौन से औजारों का निर्माण करते हैं, होलिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी और तीरों की नोक आदि को बनाते हैं। और स्थानीय जो लोहार थे वो स्थानीय लोहार जो गौड़ जनजाति के जो भी औजारों की जरूरत होती थी वो बनाते थे, कौन कौन से, होलिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी और तीरों की नोक, ये सभी स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया जाता था। गौड़ लकड़ी का सामान ये लोग स्वयं ही बना लेते थे, घोड़ों को यदि लकड़ी का सामान होता था तो वो स्वयं अपने घर पर ही क्या कर लेते थे, बना लेते थे। गौड़ के घरों में कुछ चारपाइयां तथा कुछ लकड़ी के स्टूल होते हैं, और घोड़ों के जो घर होते हैं उनके घर में चारपाई और स्टूल पाए जाते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं, जो घर के अंदर वो स्वयं ही बनाते हैं, जो बैठने के लिए क्या होती है, स्टूल होते हैं लकड़ी के, और सोने के लिए लकड़ी की क्या होती है, चारपाई। दरिया बैठने व सोने के लिए काम ली, वो दरिया होती थी वो जमीन पर या प्रस पर बैठने के लिए और सोने के लिए दोनों में काम ली जाती थी। तो इस तरह बच्चों आपने गौड़ जनजाति के बारे में पढ़ा कि गौड़ जनजाति की जो उत्पत्ति है वो कोंडा सबसे हुई है, और गौड़ जनजाति के जो लोग हैं वो चार जगह साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं, वो इसके अलावा गौड़ जनजाति के जो लोगों का यदि निवास उधर देखते हैं तो भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ गौड़ जनजाति के लोग पाए जाते हैं, जैसे अपने यहाँ पढ़ा था मध्य प्रदेश, हमारे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आसाम और उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों के अंदर गौड़ क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा कि गौड़ जनजाति अधिकतर कहाँ रहती है, पहाड़ों में रहती है और अलग अलग प्रकार की कृषि क्रिया भी करती है। और आपने देखा होगा आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर गौड़ दो मुख्य रूप की कृषि करती है, एक कृषि का नाम है दीपा कृषि, क्या थी, दीपा कृषि, ये गौड़ों की महत्वपूर्ण झूमे कृषि का ही नाम है, और एक कृषि थी फेंडा कृषि, कौन सी कृषि, फेंडा कृषि। तो भील जनजाति के जो लोग थे दो प्रकार की झूमे कृषि करते थे, एक दीपा कृषि और एक थी फेंडा कृषि। दीपा कृषि में क्या होता था कि गौड़ जनजाति के जो लोग होते थे पेड़ों को जलाकर या काटकर साफ करते थे, उस स्थान पर दो तीन साल कृषि क्रिया करने के बाद उस स्थान को छोड़ देते थे और बर्त के रूप में छोड़ देते थे, और दूसरे स्थान पर फिर से पेड़ों को काटकर झाड़ियों को साफ करके वो कृषि क्रिया करने के लिए खेत को तैयार करते थे। इस कृषि को उन्होंने क्या कहा था, दीपा कृषि। और मैंने एक प्रथा भी बताई थी, एक दापा प्रथा जो बिलों में पाई जाती है, दापा प्रथा, दापा प्रथा का शाब्दिक सीधा सा अर्थ याद रखना, लड़के पक्ष के द्वारा कन्या का मूल्य चुकाना ही क्या कहलाता है, दापा प्रथा। तो दीपा कृषि और दापा
पड़ता है। और पेंडा कृषि आपको पता ही है, पेंडा कृषि मध्य प्रदेश में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? मध्य प्रदेश के अंदर गौड़ जनजाति के लोग करते हैं। कौन सा जिला? बस्तर। मध्य प्रदेश के कौन से जिले के अंदर? बस्तर जिले के अंदर गौड़ जनजाति के जो लोग हैं पेंडा कृषि करते हैं। और ये पहाड़ी क्षेत्रों पर किस तरह कृषि करते हैं? सीढ़ीदार। किस तरह करते हैं? सीढ़ीदार। तो उसी को उन्होंने क्या कहा? पेंडा कृषि किया था। और उसके बाद हमने आर्थिक क्रिया पढ़ी कि गौड़ जनजाति के जो लोग होते आखेट करते हैं, वर्तमान में कृषि क्रिया अधिक करने लगे क्योंकि क्या बन गए? वो कृषक बन गए। फिर हमने उनके वस्त्र पहने, वस्त्र के बारे में पढ़ा जिसमें ये सूती वस्त्र का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इन सब के बारे में हमने इस टॉपिक में अध्ययन किया। हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो वीडियो होगा, उसके अंदर हम गौड़ जनजाति के सामाजिक और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे और आधुनिक संस्कृति से संपर्क से गौड़ जनजाति के जीवन पर क्या प्रभाव आया, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।